एक मर्द के लिए जब सीधे हाथ में वो अंगूठी पहनना चाहता है, चाहे चांदी का हो या फिर प्लैटिनम का, तो वो किस उंगली में पहनेगा? जैसा देखिए, इसमें कोई शिद्दत नहीं है। अलबत्ता जो है इस ये उंगली जो है इसका जिक्र आया है बाज हदीसों में। ये क्या बोलते हैं इसको, जो सिकल जी लास्ट उंगली होती है, जी तीसरी हाँ, उंगली कहेंगे शेख अरबी में इसको बिनसिर बोलते हैं। जी और इसमें उसात है, वो जिस जहां पे उसके यहाँ जो रिवाज है जिस उंगली में पहनते हैं, इसमें कोई शिद्दत नहीं, वो किसी भी उंगली में पहन सकता है। शेख जो एक उलमा है, शेख रबी अल मदखली हफिजाउल्लाह, उन्होंने बताया था कि ये जो उंगली है, आपने जो उंगली बताया है उस पर भी नहीं पहनना चाहिए, सिर्फ जो छोटी उंगली उस पर पहनना चाहिए। इस राय में मैं कंफ्यूज हो ना, गया शेख, तो इस पर हाँ क्या ही कहते हैं? देखिए, इसमें उसात है। कुछ लोगों ने, वल्ला मुझे नहीं इल्म है कि जिनका नाम आप ले रहे हैं उनका क्या कौल है इस बारे में, लेकिन इस मामले में मुकम्मल उसात है। आप किसी ने हराम नहीं कहा है। बाज उंगलियों का जिक्र आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें पहनते थे, इसलिए उसमें पहनना अकरब इले सुन्ना है। लेकिन सही बात यह है कि इसमें अंगूठी पहनने के सिलसिले में उसात है। आपके यहां जिस उंगली में लोग पहनते हो आमतौर से, आप उसमें पहने। जी जी वैसा ही शेख, मतलब पांचों उंगलियों में ना शेख, पूरे पांचों उंगलियों में से कोई भी हो। हाँ, जो जहां पे भी जी आपके यहां जी पहनने का रिवाज हो, आप उसमें पहन सकते हैं।